जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया जा रहा है भोपाल में। हम इस वक्त मौजूद है भाजपा कार्यालय में और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पटाखे फोड़ करके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के मोदी कैबिनेट में शपथ लेने का। कृष्णा गार्ग हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, आप देखिए जश्न की तस्वीरें हैं। भाजपा कार्यालय में तमाम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे और ये वो लोग हैं इनमें से ज्यादातर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद है और जश्न मना रहे हैं मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने का। ये बताइए, एक लंबा इंतजार था आप लोगों का, पिछले साल से लेके अब तक आप लोगों को उम्मीद थी इतना लंबा इंतजार करना होगा? देखिए, मोदी सरकार में जो अभी परिवर्तन होना है कैबिनेट में, उसमें कहीं ना कहीं 22 में से लगभग आधे से ज्यादा युवाओं को मौका दिया गया है और हमारे मध्य प्रदेश से युवाओं के प्रेरणा स्रोत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी मौका दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल है। 7.5 करोड़ जनता ने पहले भी सिंधिया जी पर विश्वास जताया था, आज वो सब खुश हैं और पूरे प्रदेश में युवाओं में उत्साह है। आज हम कार्यकर्ता लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हैं, मिठाई बांटकर, डांस कर फटाके फोड़कर उत्साह मनाया है। बहुत अच्छा फैसला नरेंद्र मोदी जी। सिंधिया पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, आपको लगता है कि अब ये बैलेंस किया गया है भाजपा में भी, उन्हें ला करके पहले राज्यसभा भेजा गया फिर अब उन्हें मंत्री बनाया, मंत्री पद दिया गया? भारतीय जनता पार्टी में योग्य व्यक्ति को, योग्य उम्मीदवार को आगे किया जाता है, आज उसी के फलस्वरूप उनको आगे किया गया। कांग्रेस में भी तो किया गया था ना, आप लोग तब कांग्रेस में भी थे। देखिए, जहाँ जिस पार्टी में भारतीय जन कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सम्मान नहीं होता, अपने राजस्थान के सचिन पायलट जी का सम्मान नहीं हुआ, सिंधिया जी का सम्मान नहीं हुआ, ऐसी पार्टी सिर्फ युवाओं की बात करती है। लेकिन मोदी सरकार ने करके दिखाया, युवाओं को सम्मान दिया और जिसको जो जनप्रिय लोग थे और जो मास लीडर थे उनको आगे करके आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है। तो आप देख सकते हैं तो ये सिंधिया समर्थकों में खुशी की लहर है, उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिल गई है और इनका कहना है कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इसका, क्योंकि 2020 में मार्च में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे उसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनने का इंतजार उनके समर्थकों को था, जो आज पूरा हुआ है। रविश पाल सिंह, भोपाल।